ढोल नगाड़ों की गूंज और नृत्य करते भारतीय प्रशंसक। यह नजारा था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का, जब पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर आई हॉकी टीम का स्वागत करने पहुंचे लाखों भारतीय दर्शक। आपको बता दें, आज सुबह 13 अगस्त जब भारतीय हॉकी टीम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची तो वहां पर कई सारे भारतीय प्रशंसक ढोल नगाड़े के साथ पहुंचे और नृत्य करते दिखाई दिए। उनके अंदर का उत्साह यह साफ बताता है कि यह मेडल भारतीय हॉकी टीम के लिए और देश के हर नागरिक के लिए कितना जरूरी था। हर कोई तिरंगे के रंग में रंगा हुआ था और जब टीम के सभी खिलाड़ी ने गले में तिरंगा और मेडल पहनकर ग्रुप तस्वीर खिंचवाई तो यह दृश्य हर भारतीय के दिल में गर्व और सम्मान की भावना भरने वाला है। इस खास मौके पर खिलाड़ियों के चेहरे पर जीत की खुशी साफ झलक रही। हर खिलाड़ी के चेहरे पर गर्व और उत्साह देखा जा सकता था जो उन्होंने देश के लिए यह ऐतिहासिक मेडल जीतकर हम सभी को महसूस करवाया। आपको बता दें कि यह खबर भी निकल कर आई है कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ये वीर खिलाड़ी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात न केवल उनकी उपलब्धियों के सराहना के लिए किया जा रहा है बल्कि उनके खेलों के प्रति उनकी प्रेरणा और देश के उन तमाम बच्चों पर पहुंचे जो उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं और वो हॉकी खेलना चाहते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, ऑल इंडिया वाले अपना इतना प्यार दे रहे हैं सारे हॉकी प्रेमी और बड़ा अच्छा लग रहा है सर। इतिहास रचा आप लोगों ने, 50 साल बाद ऐसा हुआ लगातार बैक टू बैक हॉकी में मेडल्स आए, ब्रॉन्ज मेडल लिया, लेकिन काफी खुशी की बात है। कैसा माहौल है टीम का, कैसे क्या कहना चाहेंगे सर? माहौल आप देख ही रहे हो कितना अच्छा माहौल टीम का और पूरे इंडिया माहौल कैसा है और बड़ा अच्छा लग रहा है। कंट्री दो बार टीम ने ऐसा कारनामा किया है। श्रीजेश का कितना बड़ा रोल देख रहे हैं, आखिरी ओलंपिक था, सारे प्लेयर्स को वो गाइड कर रहे थे, काफी भावुक भी थे सेमीफाइनल में जब हारे और उसके बाद जो वेलकम जो उनको फेयरवेल दिया गया श्रीजेश को गोल कोर्ट का कैप्टन ने अपने कंधों पर उठाया। सर फर्स्ट मैच से लेके लास्ट ब्रॉन्ज मेडल के मैच से लेके श्रीजेश ने भाई ने पूरा अपना टूर्नामेंट में बेस्ट दिया है और आपने सभी ने देखा है उनके बदौलत पूरा हमने तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है और बड़ा अच्छा लग रहा है। जी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन है क्योंकि हाय कंट्री ने इतना बड़ा काम किया हॉकी ने तो मैं चाहता हूँ और ज्यादा प्यार करिए, हम और ज्यादा मेडल लेंगे आपको। सर इंजॉय कर रहे हैं भी और करने दीजिए आगे मेडल लेके आए बैक टू बैक। आसान बात नहीं होती है, बैक टू बैक मेडल जीतने के लिए आपको बहुत तैयारी करनी पड़ती है तो बहुत मुश्किल काम है। कैप्टन हरमनप्रीत जो है फ्रंट से आपको लीड कर रहे थे और श्रीजेश का भी बेहद महत्वपूर्ण रोल था, फेयरवेल भी उन्हें दिया गया, गोल पोस्ट पे भी बैठे, कैप्टन ने खुद बंदों को उठाया, क्या किस तरह से देख रहे हैं श्रीजेश एक पिलर रहेंगे भारतीय हॉकी टीम के हमेशा? जी हमेशा वो प्लेयर थे, हम प्लेयर रहेंगे और जैसे सारी टीम ने पूरा साथ दिया है श्रीजेश का और हरमनप्रीत का, जैसे फॉरवर्ड्स ने इनके लिए पेनल्टी कॉर्नर बनाए हैं, हरमनप्रीत ने गोल किए हैं और श्रीजेश ने गोल बचाए हैं, तो ऐसे टीम गेम था। सेलिब्रेट कैसे कर रहे हैं? सेलिब्रेट हमने कर लिया था, वहाँ मेडल मिल गया था, मेडल सेलिब्रेट कैसे? अपनी अपनी फैमिली के साथ मिलेंगे, अपने अपने घरों पे जाएंगे, वहाँ पे आप सेलिब्रेट करेंगे सब।